जय हिंद दोस्तों, मैं कदल पठानी आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस समय हमारा देश जो एक बहुत ही नाजुक स्थिति से गुजर रहा है पिछले 76 साल के अंदर। एक तरफ मोदी गवर्नमेंट है जो कि पूरी तरह से देश के लिए समर्पित है और जितना विकास या वेलफेयर स्कीम्स या दूसरे एस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं तो मोदी जी का जो कॉल है उसको भारत के इतिहास का स्वर्णिम युग भी कहा जा सकता है। इसमें वो कार्य किए हैं मोदी जी ने जो असंभव माने जाते थे, उसमें 370 और 35 ए की एब्रोगेशन है, उसके अंदर राम मंदिर है, उसके अंदर CAA है, उसके अंदर ट्रिपल तलाक है और उसके अंदर अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भी लागू कर दिया गया है उत्तराखंड में। अभी दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं इंडी अलायंस की, जिनकी पॉलिसी जो है वो एंटी नेशनल है, एंटी हिंदू है, डिवाइजिव है और अपीजमेंट के ऊपर वो काम कर रहे हैं और यही वजह है कि वो कभी भी अपने काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाए। अगर हम नेहरू इरा से शुरू होते हैं और अभी सोनिया जी की इरा है या राहुल की इरा है तो कुछ सब्सटेंशियल उन्होंने नहीं किया। अभी ये हम सबका फर्ज बनता है कि हम अपने देश को सुरक्षित करें, उसकी जो इंटेग्रिटी है और सॉवरेनिटी के ऊपर उसके अंदर किसी भी किस्म का आघात ना हो और हम इन फोर्सेस के खिलाफ लड़े जो देश के लिए आने वाले समय में खतरा बन सकती है। इसीलिए सैनिक समाज पार्टी JKUT, जिसका मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, हमने ये डिसाइड किया है कि पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर हम जम्मू और कश्मीर में अपनी अनकंडीशनल सपोर्ट जो है वो BJP को एक्सटेंड करते हैं। इसमें हमारा मुद्दा यही है कि हम लोगों से ये भी अपील करेंगे कि वो एक नेशनलिस्टिक और एक पार्टी जो देश की सुरक्षा के बारे में, देश के विकास के बारे में, देश की इंटेग्रिटी के बारे में, देश की एकता के बारे में जो बात करती हैं उनको पूरी तरह से सपोर्ट किया जाए और आने वाले समय में आप BJP को वोट करें। खासकर एक्स सर्विसमैन लोगों से मेरी ये पर्सनल निवेदन है। थैंक यू। जय हिंद।